सोलह रन कैसे बने लास्ट विकेट पर है एजस पर बने एक तो चौका मारा उसने तो ऊपर से गया खैर अभी कैप्टन बड़ा है है लेकिन मुझे लगता है कि जब बॉलर खेल रहा हो ना बॉलर बैटर खेल रहा हो और इतना अंडर प्रेशर हो उसके एच लगने ही लगने हैं और पीछे आपको बंदे खिलाने चाहिए मतलब ए, रखने चाहिए क्रिकेट बेस्ट। जी हाँ तो बहुत सारा अफसोस हुआ पाकिस्तान इंडिया का फाइनल मैं देखना चाह रहा था लेकिन वो ना हो सकेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत लिया और बहुत बहुत छोटे मार्जिन से जीता एक विकेट से जीता और आखिरी ओवर में जीता पाकिस्तान ने बहुत फाइट किया पहले टॉस जीत कर ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग दी पाकिस्तान बॉलिंग की और पाकिस्तान को बैटिंग दी और बहुत अर्ली विकेट्स उनको मिल गई थी अंडर प्रेशर था पाकिस्तान और फिर अजान वैस ने अच्छी पार्टनरशिप की अरफात मिनास के साथ दोनों ऐसे प्लेयर नजर आ रहे हैं कि अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं उसके बाद 179 का इन्होंने रन्स बनाए टारगेट मिला उनको 180 शुरुआत उनको अच्छी मिली थी तीस पर मैंने ख्याला कुछ भी नहीं आउट था और फिर पचास सिक्सटी पर चार आउट कर लिए थे पाकिस्तान ने आ, अली रजा पंद्रह साल का लड़के है बड़ा ही आ, सिंपल सा एक्शन है उसका चार विकटें ले गया पाकिस्तान को उसने आ, गेम में लेकर आया नई ले खैर उसकी मेहनत जहाँ जा गई मोहम्मद जीशान ने बहुत ज़्यादा मुझे अफ़सोस किया उसका बहुत ज़्यादा चर्चा थी उसने उसका ये वर्ल्ड कप अच्छा इतना नहीं किया बहुत ज़्यादा हाइट थी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो परफॉर्मेंस करेगा लेकिन उससे परफॉर्मेंस ना हो पाए खैर उबेर शाह वो मेरे ख़्याल है सबसे बेहतरीन प्लेयर रहा जितना भी टूर्नामेंट हुआ है सब अट्ठारह विकटे मेरे ख्याल है अट्ठारह उन्नीस विकटें लेकर गया वो मेरे ख़्याल है वो सबसे बेहतर रहा प्रोस्पेक्ट उसके बाद शामिल हुसैन भी है ओपनर बहुत ही आ, अग्रेसिव ओपनर है शॉर्ट्स खेलता है ज़बरदस्त खेलता है लेकिन टू मनी शॉट्स है और शॉट बॉल पर भी फंस जाता है जिस जो उसकी स्ट्रेंथ है जो आज हमने देखा ज़रा अब ये अंडर 19 के प्लेयर हैं हम इतना ज़्यादा तनकीद तो कर नहीं सकते क्योंकि इन्होंने अभी बेहतर होना है और जहरी बात है कि ये अंडर नाइन्टीन है इनको अभी फॉर्मेशन हो रही है इनकी इन्होंने प्लेयर बन रहे हैं तो ज़्यादा तनकीद तो नहीं बनती लेकिन खैर विनिंग के हैबिट और पाकिस्तान को जो मैच जीतना चाहिए था और वर्ल्ड कप भी जीतना चाहिए था क्योंकि मुझे लगता था कि इनके पास वो पोटेंशियल है ज़्यादा बॉलिंग में या पोटेंशल बैटिंग में मुझे उन्नीस बीस का नज़र आया क्योंकि आ, देखें आप समझदार क्रिकेट नहीं खेलते आप तो खैर क्या क्या मैं बोलूँ ज़्यादा तो ज़्यादा तनकीद करना नहीं चाहता लेकिन खैर मज़ा आया अच्छा मैच हुआ अफसोस हुआ कि पाकिस्तान हार गया और इतना छोटे मार्जिन से हारा और और दूसरी बात जो है जो ऑस्ट्रेलिया है वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका कोई पता नहीं हवा नहीं बन जाता जैसे वो हवा बना हुआ ऑस्ट्रेलिया का नाइन्टी नाइन का वर्ल्ड कप फाइनल ये जीतते हैं हमारे हमारे से दो के वर्ल्ड कप में इन इन्होंने हराया हमको Uh, 2011 में हम हमने इनको हराया लेकिन हम वर्ल्ड कप ना जीत पाए 2010 में माइक हसी ने बहुत बुरे तरीके से हमें मारा फिर 2021 2021 का जो सेमीफाइनल था जो हसन अली का कैच जो छूटा था जो कैच उसने छुड़ाया छोड़ा था वो कुछ वा सा बना हुआ है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और टेस्ट क्रिकेट की बात करें सत्ताईस अट्ठाईस साल से हम एक टेस्ट नहीं जीते वहाँ से तो पता नहीं कुछ खवा टाइप बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ और आज भी हम मैच हार गए ये मैच हमें जीतना चाहिए था क्योंकि हमने बांग्लादेश को भी ऐसे ही कुछ हराया था पाँच रन से हराया था हमें जीत सकते थे सोलह रन कैसे बने लास्ट विकेट पर है एजस पर बने एक तो चौका मारा उसने तो ऊपर से गया खैर अभी कैप्टन बड़ा नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि जब बॉलर खेल रहा हो ना बॉलर बैटर खेल रहा हो और इतना अंडर प्रेशर हो उसके एज लगने ही लगने हैं और पीछे आपको बंदे खिलाने चाहिए मतलब ए, रखने चाहिए थर्ड मैन में और दूसरा पीछे पीछे जरूर होना चाहिए बंदा क्योंकि बॉलर का एज लग नहीं लगने है तो खैर वो बाउंड्रीज बात सकती थी छोटी सी एक डिटेलिंग है जो मुझे नज़र आई है क्योंकि जे ऊपर मिडोन मिडोन मिडोव के ऊपर से मारे ना तो अच्छी शॉट होगी ठीक है मान लिया लेकिन ये के लाग जाए तो खैर मुझे लगता है कि कोचिंग स्टाफ में बहुत, बहुत बहुत बड़े बंदे बैठे हुए हैं मोहम्मद यूसुफ़ हैं जुनेद ख़ान हैं मसरूर हैं तो खैर हो जाता है पर उम्मीद अच्छा लगा कि फ़ाइट किया उन्होंने वन साइडेड मैच नहीं हुआ तो ये अच्छी बात है वो भी सीखेंगे कभी कभी एक हार ज़्यादा सिखा जाती है एक चीज़ से